हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको एक लाइव ट्रेड दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया है। यहाँ पर मैंने इसको बाय किया है और ये मैं एक शॉर्ट सेलिंग है यूरो JPY में। हालांकि ये डेमो ट्रेड है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि डेमो ट्रेड से भी आप लोग कितने अच्छे तरीके से ट्रेड करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिमिट ये पेंडिंग ऑर्डर पे बाय नहीं किया, मार्केट ऑर्डर पे बाय किया है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रेड है जो कि मैंने यहाँ पे लिया है और SL इसका मैं यहाँ पे कहीं लगाने वाला हूँ 149.218। यहाँ पर मैं इसका SL लगाने वाला हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है, कितना हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि SL मुझे कहाँ का लगाना है। तो यहाँ पर 149.23 का मैं लगाता हूं SL और प्रॉफिट का जो टारगेट है वो 148.9 का मैं रखूंगा, या मैं यहां का रख लेता हूं। ये जो केवल ये जो यहां पर एक सपोर्ट है, यहां का मैं टारगेट रख लेता हूं क्योंकि इतने से ही टारगेट में काफी अच्छा प्रॉफिट मुझे होने वाला है। तो 149.022 149.022। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। ये एक्सनेस का अकाउंट है, अगर आप लोग भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉरेक्स में, तो एक्सनेस एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा इसका इंटरफेस है। आप लोग एक दो बार यूज करेंगे तो आप लोगों को बड़े आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है 394 प्लस, अभी 4466 डॉलर प्लस हो गया, अभी 750 डॉलर प्लस हो गया और अभी देखते हैं कहाँ तक ये चलता है। तो ये एक डेमो ट्रेड है, लेकिन मज़ा उतना ही आता है डेमो ट्रेड में जितना कि रियल में। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे अच्छे ट्रेड्स की, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अभी 1111 डॉलर का प्रॉफिट मुझे हो चुका है। मैं जब चाहे यहाँ पर ये जो क्रॉस का बटन देख रहे हैं, जब चाहे इस पोजीशन को मैं क्लोज कर सकता हूँ, या यहाँ पर से भी क्लिक करके कभी भी मैं इस पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ। अभी देखिए, 1500 डॉलर ये प्रॉफिट हो चुका है। मैंने क्वांटिटी कितनी बाय की थी, 6000 मेरे पास यहाँ पर डेमो अकाउंट में बैलेंस था 6000 डॉलर, और ये जो अकाउंट मैंने ओपन किया था 5000 डॉलर से किया था। तो कल भी मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने लगभग 1200-1300 डॉलर का प्रॉफिट कमाया था। तो आज जब मैंने इसको स्टार्ट किया, 6300 के आसपास से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने ये लॉट साइज रखा यहाँ पे 50। यूरो JPY का ये चार्ट है, 50 लॉट मैंने बाय किए थे, मतलब शॉर्ट किए थे, सेल किए थे, और अभी आप देख सकते हैं जरा जरा सी फ्लक्चुएशन में भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो लॉट साइज आप कम से कम रखें, और अगर आप डेमो ट्रेड यूज कर रहे हैं तो कितना भी रख सकते हैं क्योंकि आपका पैसा वहां पे नहीं जा रहा है। ठीक है, रियल ट्रेड में आपको लॉट साइज बहुत कम रखना है ताकि आपका प्रॉफिट अगर हो तो वो भी ठीक ठाक हो, लॉस अगर हो तो वो भी ज्यादा ना हो। ठीक है, इसीलिए लॉट साइज थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाता है इतने ही ऊपर, तो 1500 डॉलर का मुझे लॉस हो जाता बड़ी आसानी से। तो लॉस नहीं करना है, आपको बढ़िया ट्रेड निकाल के लेने हैं। तो ये ट्रेड मैंने लिया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इंडिकेटर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो ट्रेड मैंने सेकंड कैंडल पर लिया था। SL मैंने यहाँ का लगाया हुआ है, टारगेट यहाँ पे कहीं का है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एक बढ़िया इंडिकेटर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं रियल मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पे अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो लगभग 1720 डॉलर के आसपास पहुँच चुका है। अभी हमारे डेमो अकाउंट का जो बैलेंस है 8100, ये देखिए थोड़ा फ्लक्चुएशन चल रही है अभी यहाँ पे। जैसे ही मेरा प्रॉफिट 2000 डॉलर के आसपास पहुँचेगा या फिर यहाँ पर पहुँचेगा, तो ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आज की इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आप लोग बिना पैसे के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेमो ट्रेडिंग। तो एक्सनेस पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है जिसमें आपको मनचाहा बैलेंस भी मिल जाता है। आप चाहे तो 1000 डॉलर ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, 500 डॉलर भी ले सकते हैं, 5000, 10000, जितना आपका मन करे उतना डॉलर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने 5000 डॉलर लिया था जिसका भी 7600 हुआ है,
लगभग 2 दिन हुए हैं 20 को, तो अभी देखते हैं ये ट्रेड हमारा कहाँ तक चलता है। मैं SL को थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि अगर एग्जिट भी होए तो हम प्रॉफिट में होए। तो SL मैं यहाँ पर लेके आता हूँ अपना, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर जो कि है 149.136, 149.136 ये हो गया हमारा SL। और अभी कैंडल इसके नज़दीक है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जब कैंडल थोड़ी नीचे आएगी तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी हम देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने रिवर्सल ले लिया है और काफ़ी स्ट्रांग रिवर्सल है 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, तो 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉस में हम चले गए हैं, $140 के आसपास। तो यहाँ से देखते हैं कि प्राइस नीचे गिरता है या फिर नहीं गिरता है। और यहाँ पे शायद ये रिवर्सल फिर से ले लिया है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से। अभी हमारा जो SL होगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये जो इसने रिसेंट स्विंग लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम अपना SL लगा देंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब ये वाला पॉइंट हमारा SL हो जाएगा, तो SL रखेंगे हम 149.139। अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। जब थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर क्लियर आपको हो जाएगा, ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। अभी प्राइस जब थोड़ा सा नीचे आएगा तब जाके यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अभी वापस से हम $1,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, और ये यहाँ पर हमारा अभी इसने शो किया था तो वापस से प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया है। ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर आ चुका है, अब हम इसको क्लिक कर देंगे। हमारा SL अभी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ से वापस से यू टर्न लेता भी है तो हम लॉस में एग्जिट नहीं होंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट में, हल्के फुल्के प्रॉफिट में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना इसको बोलते हैं। पहले हमारा SL यहाँ पे था, ऊपर यहाँ पे, ठीक है, प्राइस नीचे गया तो अब हमारा SL यहाँ पे आ चुका है। वो देखिए SL हिट हो गया है और हम एग्जिट हो चुके हैं लगभग $200-$300 के प्रॉफिट पे, ठीक है। यहाँ से रिटर्न ले लिया है प्राइस ने। अभी हम फिर से एक न्यू ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या ट्रेड अभी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो SL हमारा यहाँ पे कहीं जाएगा, तो मैं अभी एक लॉन्ग ट्रेड लेने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। 50 क्वांटिटी में यहाँ पे हम मार्केट प्राइस में बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जैसे ही बाय करेंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा माइनस में दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा माइनस में दिखाई देगा, $600-$700 के आसपास। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेमो अकाउंट है, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिमिट प्राइस लगा कर भी बाय कर सकते हैं, मैं मार्केट प्राइस पे बाय कर रहा हूँ इसीलिए ये थोड़ा सा लॉस में दिखा रहा है। लिमिट प्राइस पे बाय करने के लिए आप पेंडिंग में जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है वो प्राइस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर बाय या सेल जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप अपना ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो मार्केट पे आपको रखना है। अब देखिए ये हमने एक लॉन्ग ट्रेड ले लिया है जो कि अभी $500 के आसपास लॉस में है। अभी देखना ये है कि ये प्रॉफिट में जाता है या फिर नहीं। SL हम यहाँ का लगा देते हैं पहले ही, $149 के आसपास का SL लगा देते हैं। ये हमारा SL लग गया, और टारगेट मैं लगाता हूँ ये वाला जो कि 149.255 का है, ये टारगेट लगा दिया है। अभी देखते हैं ये ट्रेड हमारा कैसा चलता है। तो इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ये डेमो ट्रेडिंग है, आप लोग भी एक्सनेस पर अकाउंट बनाकर इसी तरह से डेमो ट्रेड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को निहार सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करने लगे हैं
तो फिर आप लोग रियल ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये हमारा ट्रेड कभी प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है। देखिए 71 डॉलर प्लस में चला गया है, तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये टारगेट हमारा हिट हो जाए। 5 मिनट का चार्ट है, मैं फॉरेक्स में 5 या फिर 1 मिनट का चार्ट ही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी 1 मिनट या फिर 5 मिनट, और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड करना है टाइम फ्रेम को तो 15 मिनट का आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चार्ट देखने के लिए, आप एनालाइज करने के लिए 1 आवर 4 आवर या डेली का चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रेडिंग लेनी होती है वो 1 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट पे लेनी होती है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर हम चले गए हैं 1000 प्रॉफिट में, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने में, और ये टारगेट भी हमारा हिट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लगभग 1400 डॉलर का प्रॉफिट अभी हो चुका है, डेमो ट्रेड है, तो खुशी उतनी तो नहीं है क्योंकि रियल अकाउंट नहीं है, लेकिन ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो रहा है उस चीज़ की खुशी है। तो SL को हम लोग यहाँ से हटा के अभी यहाँ रख देंगे जहाँ पे हमने इसको बाय किया है, उस कैंडल के ठीक नीचे का। तो ये है 149.14, ये हो गया हमारा SL थोड़ा सा ऊपर, ताकि अगर लॉस भी होता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैंडल क्लोज हो चुकी है और न्यू कैंडल बन चुकी है, ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट के हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी, लेकिन अभी देख सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेक आउट होता है, वापस से कैंडल रिटर्न आ जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम यही होता है कि कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अभी तक तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ये देखिए कैंडल ऊपर की तरफ गई, हमारा प्रॉफिट 1500 डॉलर। टारगेट हिट होने में थोड़ा सा ही बचा है बस। ये देखिए हमारा जो टारगेट है 217 का है, नहीं सॉरी 255 का है, और 200 तक पहुंच चुका है, 149.200 तक। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है, ब्रेकआउट हो चुका है, ये रेड कैंडल थोड़ी सी डराने के लिए थी, प्रॉफिट हो चुका है 2000 डॉलर्स, और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। 240 के आसपास प्राइस पहुंच चुका है, 149.240, और हमारा जो टारगेट है 255 का है, 250 पहुंच चुका है, प्रॉफिट हमारा हो चुका है 2700 डॉलर, और टारगेट हिट। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे 3000 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है इस एक ट्रेड में, जो कि आपने देखा कि कुछ ही मिनट का ट्रेड था और एक डेमो ट्रेड था, रियल ट्रेड नहीं था, लेकिन हमें इस ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डेमो ट्रेडिंग से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक्सनेस का अकाउंट बनाइए, बहुत ईजी टू यूज़ है, इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक्सनेस बहुत बढ़िया है, इसका आप यूज़ करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की चीज़ें और सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। समय देने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।